बरेली से खबर आपको बता देते हैं। बरेली लोकसभा सीट पर सपा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सपा जिला उपाध्यक्ष हैदर की बगावत के बाद अब बरेलवी उलेमाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों का व्यापार कर रही है। मुसलमान चुनाव में सपा को दूध की मक्खी की तरह देख रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को दाढ़ी और टोपी से नफरत है, वो मुसलमानों के वोटों की तिजारत कर रहे हैं। उनको मुसलमानों का वोट चाहिए मगर मुसलमानों के मुद्दों और उनको मसाइल से कोई मतलब नहीं है। हमने ये फैसला किया है कि बरेली लोकसभा से मुसलमान और दलित मिल करके नोटा का बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करें। 22 लोकसभा उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की बहुमत है, अक्सरियत है। इसके बावजूद भी गैर मुस्लिम लोगों को टिकट दिया गया, हिंदुओं को टिकट दिया गया, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। इसलिए आंवला लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री आबिद अली को समर्थन देने का हमने ऐलान किया है और ऐसे ही बदायूं लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री मोहम्मद मुस्लिम खां को हमने ऐलान किया है उनका समर्थन देने का।